मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास साथ ही रिच लैंडस्केपिंग स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल स्विमिंग पूल इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। लॉकडाउन में जहां सभी कोचिंग क्लासेस और विद्यालय कोरोना संक्रमण के चलते बंद हैं, ऐसे में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के हुनर को निखारने के लिए मऊरानीपुर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरोना काल के दौरान मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव व नेशनल एकेडमी के प्रबंधक प्रमोद सिंह ने नगर के सभी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ मिलकर आर्ट एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें दो ग्रुप बनाकर प्रतियोगिताएं कराई गई। इस प्रतियोगिता का विषय कोरोना रखा गया था, जिसमें कला व निबंध के माध्यम से बच्चों ने अपने अपने विचारों को पन्ने पर उकेर दिया। इसके बाद जजों की टीम द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को मऊरानीपुर तहसील सभागार में सील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी ने कहा कि मऊरानीपुर नगर में बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी पर बहुत अच्छे विचार पन्नों में उकेरे हैं। साथ ही यह हमारे देश का भविष्य भी है, जिन्हें कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए जागृत करना अति आवश्यक है। साथ ही घर बैठकर अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से बताया गया। इस प्रतियोगिता में नगर के कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। ये कोरोना काल में हमारे यहाँ पे तहसील स्तरीय आर्ट और निबंध प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया था और ग्रुपों में जो बांट करके छोटे बच्चों को अलग किया गया था, उसमें एक फर्स्ट और सेकंड क्लास में, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, और उसके बाद बड़े बच्चों को इलेवंथ ट्वेल्थ को बच्चों को अलग ग्रुपों में बांटा था। सभी बच्चों के लिए इसमें निबंध के बड़े बच्चों को टॉपिक दिए गए थे और छोटे बच्चों के लिए इसमें ओपन रखा गया था। तो हमारी पूरी तहसील में इसमें 238 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। बच्चों ने अपने घर में ही रह करके ये सारी जो निबंध थे और जो पूरा का पूरा आर्ट का प्रतियोगिता थी वो अपने घर में ही बनाए। उसके बाद स्कूलों के द्वारा वो उन सबको कलेक्ट कर लिया गया था और उसमें फिर हमारे जो जजेस थे उन्होंने उसमें से कुछ जो बच्चे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड हर एक ग्रुप में उसमें से निकाला और यहाँ पे हमारे 24 बच्चे जो टोटल इन ऑल हैं, अलग अलग विधाओं में अलग अलग पोजीशनों में यहाँ पे हमने बुलाया था और उनको सबको सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ हमारे 238 हमारे पूरे बच्चों ने सबको हम पार्टिसिपेट का जो सर्टिफिकेट है, प्रतिभा का सर्टिफिकेट, वो यहाँ से हम दे रहे हैं। और काफ़ी हमारे यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जिन्होंने निबंध भी बहुत अच्छा बनाया है और चित्रकारी भी जो है वो बहुत यहाँ पे अच्छी करी है। कोरोना पे क्या नाम है बेटा? माय नेम इज कर्णिका अग्रवाल। आज क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? आज आर्ट का। अच्छा, क्या बनाया था आप लोगों ने? लॉकडाउन पे चित्र। चित्र बनाया था। आज आपको सम्मानित किया गया। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। एजुकेशन विद मोरल वैल्यूज, द ओनली इंस्टीट्यूशन विद ऑल लेटेस्ट फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, एक्सपीरियंस टीचर्स, एयर कंडीशन हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द एरिया, दी ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।